हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी जानकारी रिलेशन के बारे में जान चुके हैं। अब फंक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2, इन दिस एक्सरसाइज लेट अस स्टडी एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is to r to r and f of x is equal to greatest integer function x is neither 1 nor 1 function। हम इसे तो जानते ही हैं। what is the meaning of this box x means it denotes the greatest integer, greatest integer less than or equal to x। अब ध्यान से देखिए, ऐसे वैल्यू में फॉर द सॉल्यूशन इफ यू टेक f ऑफ 1.1 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 1 एंड इफ यू टेक f ऑफ 1.2 फ्रॉम r वी टेक फ्रैक्शन इंटीजर एनी वन वैल्यू 1.2, तब भी आंसर क्या रहेगा 1। तो पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए कोई एक प्रॉपर आंसर तो है नहीं। यहाँ पर देखिए, ऐसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.11 इन सभी के लिए वैल्यू में 1 ही मिलेगी। देयरफॉर हियर वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पे जाए तभी यही रहेगा, f of x1 is equal to f of x2। ये है f of x1 is equal to f of x2, both are equal, in spite of both are equal x1 is not equal to x2, therefore we can say that f is not 1 function। clear दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, and ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी है वो है इंटीजर। सो बॉक्स एस गिव्स इंटीजर, इट मींस द रेंज ऑफ एफ विच गिव जेड मे बी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज जीरो। सो रेंज ऑफ एफ डू नॉट बी इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। So here f is neither 1 nor onto function। Clear दोस्तों, आप समझ रहे हैं? Okay, now example number 4, show that the modulus function f of x is to r to r f of x is equal to box x, है ना दोस्तों? सॉरी नॉट सीयर द एक्स इज मॉड्यूलस एक्स। तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले इफ यू टेक एफ ऑफ -1 वी विल गेट 1 एंड इफ यू टेक एफ ऑफ 1 देन वी गेट 1। तो दो अलग अलग वैल्यू के लिए सिर्फ एक आंसर मिलता है यहाँ पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। ये दोनों सेम नहीं है, आंसर सेम है फिर भी। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 एफ इज नॉट 1 फंक्शन। एक दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि यहाँ पर रेंज ऑफ f मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट रिप्रेजेंट r प्लस यूनियन 0, क्योंकि 0 का मॉड्यूलस 0 आता है और सभी नेगेटिव का भी मॉड्यूलस होता है पॉजिटिव. सो हियर दिस रेंज नेवर बी इक्वल टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन f. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f यहाँ पर ऑन टू फंक्शन नहीं है. क्लियर दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे. ऐसे क्वेश्चन सिर्फ MCQ के लिए और जानकारी के लिए होते हैं. आगे बढ़ेंगे. एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन ये है, सिग्नम फंक्शन f इज टू r टू r एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0. यहाँ पर भी दोस्तों हम यदि ये बात करेंगे कि इफ़ यू टेक f ऑफ 2, तो 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू होगी 1. यदि हम लेंगे 3 तो 3 भी पॉजिटिव है तो फिर भी हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी होगी? 1. हालांकि एफ एक्स दोनों में सेम मिल रहा है लेकिन एक्स अलग है. सो वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 बट एक्स 1 इज नॉट इक्वल टू एक्स 2. सो हियर वी कैन से दैट गिवन सिग्नम फंक्शन एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है. क्लियर दोस्तों, अब मुझे बताना है कि रेंज ऑफ एफ क्या होगा. तो कोई भी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ -1 0 और 1 ही वैल्यू मिलेगी विच इज नॉट इक्वल टू इट्स कोडोमेन आर. देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन. तो यहाँ पर एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है. मेरे ख्याल से आप ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए हैं. यही बेस्ट मेथड है फॉर द अंडरस्टैंडिंग. एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एग्जाम्पल नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमारे पास में 2 केसेस है. जस्टिफाई योर आंसर द फंक्शन मे बी सब्जेक्टिव और नॉट. तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम जाएंगे. एफ इज टू आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 -4x. एक बात मैं आपको बता दूँ, यदि यहाँ पर जो डोमेन नेचुरल नंबर होता तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ जाती क्योंकि माइनस वैल्यू है बीच में, तो ये नॉट पॉसिबल होता. लेकिन फिर भी यहाँ पर तो रियल नंबर है. देयरफॉर वी सिलेक्ट एक्स वन एक्स टू फ्रॉम द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू देन 3 -4x1 इज इक्वल टू 3 -4x2. 3 3 यहाँ से कैंसिल होगा. -4x1 इज इक्वल टू -4x2. एक्स वन इज इक्वल टू 3 -4x2. देयरफॉर द फंक्शन एफ इज नोन एज 1 1 फंक्शन. सो एफ इज 1 1 फंक्शन. वैसे तो ये 1 2 फंक्शन है. रिमेंबर दोस्तों, वन स्टैंडर्ड इक्वेशन एफ इज टू आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है
और ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव फंक्शन हम इसे कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आपको ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे ऑन टू के लिए। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, बट वी नो वेरी वेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या आप समझ रहे हैं? सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक्स एंड देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। दिस एक्स इज सिलेक्ट फ्रॉम डोमेन एंड द वाई वी गेट फ्रॉम द को डोमेन आर एंड वाई विच इज बिलोंग्स टू आर, है ना दोस्तों। अब फॉर वाई बिलोंग्स टू आर वी गेट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4। यहाँ से 4 4 कैंसल, 3 माइनस 3 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गई वैल्यू है y विच इज बिलोंग्स टू r। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से दैट f इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, पार्ट नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 7। फंक्शन f इज टू r टू r एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। दोस्तों इफ यू टेक x इज इक्वल टू -1 वी गेट 1 प्लस -1 होल स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड फॉर द 1 वी गेट 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इससे ही पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होने के बावजूद भी एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, है ना। दोनों के आंसर सेम है 2 2, लेकिन एक्स हमें मिल रहे हैं अनइक्वल। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, एफ जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर दोस्तों। सेकेंड थिंग, एंड वी नो वेरी वेल एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस x स्क्वायर जो हम बात करेंगे वो तो ऑब्वियसली दोनों साइड में हमने 1 ऐड कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि रेंज ऑफ f जो है वो 1 से इनफाइनेट वैल्यू है विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन r। तो रेंज और कोडोमेन दोनों भी सेम नहीं है, तब भी हम कह सकते हैं f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर f जो है वो 1 1 फंक्शन भी नहीं है एंड ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? जितना समझ सकते हैं उतना अच्छा है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 में। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स एंड द फंक्शन डिफाइन एज एफ इज टू ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, रिवर्स ऑर्डर पर है यहाँ पर, सच दैट
एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज ऑल्सो गिव वन अनदर ऑर्डर पेयर इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बताना है हमें। तो हम यहाँ पर टू कंसिडर एनी टू ऑर्डर पेयर्स, लेट टू एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, वेयर एक्स वन इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी एंड एक्स टू इज द अनदर ऑर्डर पेयर सी डी। फॉर दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो इसका ये मतलब होगा, एक्स वन का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एफ ऑफ ए बी का मतलब होगा बी ए, तो इसका मतलब होगा बी ए और इसका मतलब होगा बी सी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी। अब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ए बी, तो ए जो है इसके इक्वल टू सी है और बी के इक्वल टू डी है। ए बी मतलब एक्स वन है, सी डी मतलब एक्स टू है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से दैट एफ इज वन वन फंक्शन, एफ जो है वो एग्जैक्टली वन वन फंक्शन है। यहाँ पर क्या आपको पता चल रहा है किस तरीके से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। अब फॉर द ऑन टू फंक्शन के लिए, नाउ वी टेक y इज इक्वल टू वन ऑर्डर पेयर ई एफ फ्रॉम b क्रॉस a फ्रॉम द कोडोमेन एंड x इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम इट्स डोमेन, देन f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर f ऑफ ए बी, y इज इक्वल टू ई एफ। एफ ऑफ ए बी का मतलब होगा बी ए इज इक्वल टू y मतलब ई एफ। कंपेयरिंग टू द बोथ साइड्स b इज इक्वल टू e एंड a बिकम इक्वल टू f एंड f ऑफ x मीन्स व्हाट, f ऑफ ए बी जिसका मतलब होगा एफ ऑफ ए बी, ए मतलब एफ एंड बी मतलब ई है ना दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन एफ ऑफ एफ ई का मतलब होगा ई एफ, ई एफ मीन्स वाई एंड वाई बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन। Therefore, we can say that f is onto function, onto function. So finally, we can say that f is bijective function. F जो है वो है bijective function. वो one one भी है and also onto function. Clear दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 8। क्लियर दोस्तों, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।